Welcome to the video library of Faculty of Education, Karim City College. Mera naam hai Mrs. Subuhi Rahman and I am the assistant professor in Karim City College, Jamshedpur. तो ये जो कड़ी चल रही है वीडियो सीरीज़ की, इसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुँचे हैं पेपर फोर. जी हाँ, जो बीएड सेमेस्टर वन जो में हम पढ़ते हैं पेपर फोर, जिसका नाम है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, उसी का जो यूनिट टू है उसी को हम आज स्टार्ट करेंगे. कुछ आइडिया लगा आपको ये जो आपको सामने दिखा था एक फ़ोटो? चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ. आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है क्लासरूम डिस्कोर्स. जी, नेचर ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स हम जानेंगे कि क्या होता है. क्लासरूम तो अक्सर वर्ड सुना है, लेकिन डिस्कोर्स क्या चीज़ है, और इन दोनों टर्म्स को अगर हम मिला दें, क्लासरूम को और डिस्कोर्स को अगर हम मिला दें, तो क्या बातें निकल के आती हैं वो आज हम जानेंगे. लेट्स सी हियर. In a classroom, learning and teaching, a large proportion of time is spent in talking and listening. Obviously, we don't do anything else. Classroom के अंदर basically हम बातें ही करते हैं, हम बोलते हैं, कहते हैं और सुनते हैं. तो इसीलिए कहा गया है कि ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम जो ज़्यादातर हम जो काम करते हैं क्लासरूम के अंदर, बोलने का, सुनने का, कहने का, तो इसी इंटरेक्शन के जो इस मोड को, ये जो हमारा इंटरेक्शन का जो मोड है, उसी को हम किस तरह से लर्निंग में इस्तेमाल करें और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हम ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाएँ. ओके, सो हम इस इंट्रोडक्शन में हमने क्या जाना कि टॉकिंग जो है इज़ समथिंग विच इज़ यू नो विच इज़ प्राइमरी. क्लासरूम के अंदर सबसे ज़्यादा हम जो करते हैं वो सुनते हैं और बोलते हैं. तो इसीलिए हम इस क्लासरूम इंटरेक्शन को, इस बोलने की जो प्रक्रिया है, सुनने की जो प्रक्रिया है, इसी को हम किस तरह से जो है अपनी टीचिंग प्रोसेस को, अपनी लर्निंग प्रोसेस को कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाएँ, उसको आज हम जानेंगे. What is classroom discourse? अब इसका हम मीनिंग जानते हैं थोड़ा सा. क्लासरूम डिस्कोर्स इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ डिस्कोर्स दैट अकर्स इन क्लासरूम. तो इसमें यहाँ पे क्या बात हमने कही है कि क्लासरूम डिस्कोर्स जो है, डिस्कोर्स असल में समझिए कि बातचीत, वार्ता. हिंदी में अगर हम देखें कि डिस्कोर्स का माने क्या होता है, इसका ट्रांसलेशन क्या है, तो वह है बातचीत या वार्ता. यानी कि वो वार्ता जो कि क्लासरूम में होती है, क्लासरूम के अंदर जो हम वार्तालाप करते हैं, उसी को हम कहते हैं क्लासरूम डिस्कोर्स. अब यहाँ पर एक टर्म अगर आया है, अगर आप देख सकें, तो वो क्या है, इट इज़ अ स्पेशल टाइप. देख, लेकिन इसको कहा गया है कि ये एक डिस्कोर्स है, बट ये कैसा डिस्कोर्स है, ये एक स्पेशल डिस्कोर्स है. अब हम जानेंगे कि इसको स्पेशल क्यों कहा गया है. इसको स्पेशल इसलिए किया गया है क्योंकि बिकॉज वी इन द क्लासरूम, वी द टीचर्स एंड वी द टीचर एंड द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग सम रोल्स. उसी रोल्स के अंदर हमें अपने डिस्कोर्स करना है. इसका एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि जब हम एक ड्रामा करते हैं और स्टेज पे हम इनेक्ट करते हैं, तो उस वक्त हम जो अपना हम नहीं होते, हमको जो रोल दिया जाता है, हमको जो काम दिया जाता है, हमको जो रोल इनेक्ट करना होता है, हम वही इनेक्ट करते हैं जो हमारे डिस्कोर्स होते हैं. अगर 5 लोग हैं जो कि ड्रामा को कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो 5 जो रोल उनको दिया गया है, उनके बीच में जो बातचीत होगी, जो वार्ता होगी, जो डिस्कोर्स होगा, वो उसी रोल के अंदर होगा. वो अपनी वो किसी और रोल को या किसी और तरफ से वो कुछ नहीं बोलेंगे. वो उनको जो रोल दिया गया है उसी चीज़ को वहाँ उसमें वो बयान करेंगे, उसी चीज़ में उनकी बातचीत होगी, सुनेंगे, बोलेंगे, वो उसी सब चीज़ में रहेगा. तो इसी तरह से इस चीज़ का हम कंपैरिजन हम किससे कर सकते हैं, क्लासरूम में. कि क्लासरूम में भी मैं जो हूँ एक मदर नहीं हूँ, मैं एक वाइफ नहीं हूँ, मैं एक डॉटर नहीं हूँ, आई एम अ टीचर. ओके, मैं एक टीचर हूँ. इसी तरह से जो मेरे सामने बैठे होते हैं वो कौन है, मेरे स्टूडेंट्स हैं. ओके, वो और कुछ नहीं है. तो टीचर, मेरा रोल क्या है, टीचर का, और सामने जो मेरे बैठे हैं उनका रोल क्या है, स्टूडेंट्स का. तो इस रोल के अंदर रह के ही हम जो
आपस में बातचीत करते हैं उसी को हम क्लासरूम डिस्कोर्स कहते हैं। और इसी सिचुएशन को, इसी क्लासरूम सिचुएशन को जो है ये स्पेशल बनाता है। इसीलिए हमने इसको जो कहा है कि ये स्पेशल है, ये स्पेशल इसीलिए है क्योंकि बिकॉज वी आर प्लेइंग सम स्पेसिफिक रोल्स इन द क्लासरूम एंड इन दोज रोल्स वी हैव टू डू द डिस्कोर्स। ओके, एंड classroom is the organization of language beyond the level of sentence whereby the meaning is negotiated in the process, okay, in the process of discourse। यानी कि हम जब डिस्कोर्स करते हैं तो कभी कभार हम एक तरह से नेगोशिएशन भी होता है, हम किसी कभी कभार हम किसी की बात को हम मानते भी हैं, अपनी बात को हम पीछे भी करते हैं, अपने किसी आर्गुमेंट को हम पीछे भी करते हैं, अपने किसी दावे को हम पीछे भी करते हैं। कभी कभार क्या होता है, हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे को हम इसमें करते हैं। इसी तरह से ये जो डिस्कोर्स होता है ये क्या है, एक तरह का नेगोशिएशन है, जिसे हम नेगोशिएशन आपस में हम बातचीत करके एक कंक्लूजन पे आते हैं बातचीत की, हम सहमत होते हैं। तो ये डिस्कोर्स में भी क्या होता है, एक तरह से मिलजुल कर जो है एक ये म्यूचुअल एक्टिविटी है जिसमें मिलजुल कर सब एक दूसरे के साथ जो है एक चीज़ों का, कंसेप्ट का जो है एक मीनिंग निकाल के आते हैं, कंसेप्ट निकाल के आते हैं। आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स इन क्रिएटिंग क्लासरूम इंटरेक्शन इज़ अ टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जी हाँ, ये जो हमने आपको बोला कि ये जो है क्लासरूम डिस्कोर्स क्या है, एक स्पेशल तरह का एक डिस्कोर्स है। यानी कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ जो डिस्कोर्स कर रहे हैं वो अलग तरीका होता है, हम अपने पेरेंट्स के साथ जो बातचीत करते हैं, अपने फैमिली में जो डिस्कोर्स करते हैं वो अलग तरीका है। लेकिन ये जो क्लासरूम डिस्कोर्स है ये एकदम स्पेशल है। क्यों स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पर हमारे रोल्स हमको दिए गए हैं। अब ये टीचर का और जो स्टूडेंट का जो हमको रोल दिया गया है और हमारे बीच में जो डिस्कोर्स हो रहा है, जो बातचीत हो रही है, उसमें जो एक अहम किरदार अदा करते हैं वो कौन होते हैं, वो हैं क्वेश्चंस। जी, जो क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्लासरूम इंटरेक्शन में एक बहुत अहम रोल अदा करते हैं। हम सभी जानते हैं टीचर्स क्वेश्चंस पूछते हैं, बच्चे आंसर देते हैं, बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं और टीचर्स आंसर देते हैं। तो इसी तरह से इस इंटरेक्शन को, इस क्लासरूम डिस्कोर्स को हम जब बेहतर बनाने की सोच रहे हैं, इस क्लासरूम डिस्कोर्स के ज़रिए हम अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने की सोच रहे हैं, इसी क्लासरूम डिस्कोर्स के थ्रू हम अपने लर्नर्स का डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चंस क्या होते हैं। तो यहाँ पर दो तरह के क्वेश्चंस लिए गए हैं, पहला है डिस्प्ले क्वेश्चंस और दूसरा है रेफरेंशियल क्वेश्चंस। रेफरेंशियल क्वेश्चंस आर फॉर मोर इंटरेक्शन एंड मीनिंगफुल नेगोशिएशन अकॉर्डिंग टू ब्राउन। डिस्प्ले क्वेश्चंस रिफर to the questions for which the teacher knows the answer and demand a single or short response। By the contrast, referential questions demand more thought and generate longer responses। तो यहाँ पर दो तरीके के questions की बात की गई है और दोनों के बीच में दोनों को जो है डिफ्रेंशिएट किया गया है कि जो डिस्प्ले क्वेश्चंस होते हैं उसके जनरली जो आंसर्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं और टीचर को मालूम होता है कि बच्चा उस क्वेश्चन का जवाब क्या देगा। जबकि जो रेफरेंशियल क्वेश्चंस जो होते हैं वो वैसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कहीं ना जिनके आंसर्स थोड़े बड़े होते हैं और उसमें बच्चे का थॉट प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो इसीलिए टीचर क्या बच्चा कहेगा, किस आंसर के साथ वो आएगा, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, क्योंकि वो अपना थॉट्स को अपने को एक्सप्रेस कर रहा है, उसकी क्या सोच है वो उस तरह का वो एक्सप्रेस कर रहा है कि हम जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उसके बारे में वो कितना समझा है, उसका अपना क्या ओपिनियन है उस कंसेप्ट को लेकर। तो ये दोनों के बीच में आ गया डिफरेंस। अब हम जानते हैं कि जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, जो क्लासरूम डिस्कोर्स है उसकी इम्पॉर्टेंस जो है वो क्या है, वो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। टॉक इज नेसेसरी फॉर बिल्डिंग ऑफ द ब्रेन इट्सेल्फ एज अ फिजिकल ऑर्गेनिज्म एंड देयर बाय एक्सपेंडिंग इट्स पावर। Moreover, the quality of classroom discourse is of great importance because it sets a suitable climate for learning and transmitting teachers' experiences for their pupils' thinking. The talk is
इज़ समथिंग विच इज़ नेसेसरी फॉर बिल्डिंग द ब्रेन इट्सेल्फ। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि यू नो कि एक तरह की जो बातचीत होती है, बातचीत मतलब ऐसे ही फालतू वाली बातचीत नहीं, अच्छी बातचीत जहाँ पर नॉलेज का, एक्सपीरियंसेस का आदान प्रदान हो रहा है, तो इस तरह की जो बातचीत होती है वो हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। कि हम जब अच्छे लोगों के कंपनी में होते हैं, अच्छी बातचीत हम कर रहे होते हैं, तो हमको बहुत कुछ पता चलता है, हमारे जो सोचने के जो होराइजन्स हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं, कि हमको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलती है जिनको हम पहले से नहीं जानते। तो ये जो इसीलिए कहा गया है कि जो क्लासरूम डिस्कोर्स है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, और ये जो डिस्कोर्स होता है एक लर्निंग के लिए एक बहुत सूटेबल क्लाइमेट डेवलप करता है। जैसे हम क्लासरूम के अंदर एंटर करते हैं, हम गुड एक टीचर और स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे को गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून विश करते हैं, एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं आप कैसे हैं, एक दूसरे से एक लाइट माहौल हम एक क्रिएट करते हैं, और उसके बाद हम धीरे 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 करते करते हम अपने कंसेप्ट पे आते हैं। तो इसी तरह से जो एक अच्छे माहौल को बनाने के लिए टॉकिंग का एक बहुत अहम रोल है, तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने क्लासरूम में एक अच्छा माहौल बनाएं, एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाएं जहाँ पे टीचिंग लर्निंग जो है वो टीचिंग लर्निंग जो है वो आसानी से हो सके। इसीलिए आपस में टीचर्स और स्टूडेंट्स को बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। जब हम बातचीत की बात यहाँ पर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि सिर्फ ऐसा ना हो कि सिर्फ टीचर ही बोले और बोल के चला जाए क्लासरूम से। जब पीरियड लगा, टीचर आया, बोला जो उसको बोलना था और उसके बाद वो चला गया, नहीं ऐसा ही। जब हम डिस्कोर्स की बात कर रहे हैं यानी कि दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन, दूसरा कौन है यहाँ, स्टूडेंट्स हैं, प्यूपल्स हैं, तो टीचर और स्टूडेंट्स दोनों का आपस में डिस्कोर्स हो रहा है, दोनों का आपस में बातचीत कर रहे हैं, दोनों का आपस में शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस हो रहा है। तो इस तरह से जब ये हम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम एक अच्छा इन्वायरमेंट अपनी क्लासरूम में हम क्रिएट कर रहे हैं। जब अच्छा एक इन्वायरमेंट हमारी क्लासरूम में क्रिएट होगा, बच्चे जो है फ्री फील करेंगे अपने आप को एक्सप्रेस करने में, अपनी नॉलेज को, अपने थॉट्स को, तो लर्निंग तो बेहतर होगी ही होगी। आगे बढ़ते हैं कि अदर व्यूज़, यानी कि इसके जो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उसके ख़िलाफ़ हैं, जो कहते हैं कि नहीं, टॉकिंग इज़ समथिंग विच इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। लेट्स सी व्हाट दे से। Perhaps because talking is impermanent and evanescent compared with written words, many people tend to be less reflective about spoken discourse than written in classrooms. Besides, it is always written work that is regarded as the real schoolwork and as the most reliable medium of measuring pupils' learning. तो यहाँ पर जो लोग इसके खिलाफ हैं, जो कहते हैं कि टॉकिंग इज़ समथिंग विच इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, तो वो ये कहते हैं कि उनका आर्गुमेंट क्या है, क्यों वो कहते हैं कि भाई नहीं, टॉकिंग जैसी चीज़ जो है, बातचीत जैसी चीज़, वार्तालाप जैसी चीज़, वो क्या रोल अदा करेगी बच्चे के डेवलपमेंट में। वो कहते हैं कि नहीं, टॉकिंग सिर्फ बातचीत करने से ही बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। लोगों को ये भी मानना है, कुछ लोग ये कहते हैं कि सिर्फ बातचीत के ज़रिए से जो है हम चाहें कि बच्चे का डेवलपमेंट हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। तो उनका आर्गुमेंट ये है कि टॉकिंग जो है वो इम्परमानेंट है, इट इज़ इवैनेसेंट। इवैनेसेंट और इम्परमानेंट यानी कि वो ख़त्म होने वाली चीज़ है। क्लासरूम में आए, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में बातचीत हुई, टॉकिंग हुई, डिस्कोर्स हुआ, वार्ता हुई, और थोड़े टीचर जब चला गया, पीरियड ओवर हो गया, कुछ देर बाद सब भूल गए, स्टूडेंट्स जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग। स्टूडेंट्स जो है वो भूल जाते हैं, कुछ लोग फौरन भूल गए, कुछ लोग एक दिन बाद भूल गए, कुछ लोग एक हफ्ते बाद भूल गए, तो ये भूल जाते हैं लोग। लेकिन इसीलिए कह रहे हैं कि जो स्पोकन डिस्कोर्स होता है, जो आपस में बातचीत वो हो रही है, वो जो जो चीज़ रही नहीं रही, जो चीज़ रिटेन ही नहीं करती है, जो एक दिन बाद, दो दिन बाद, एक हफ्ते बाद ख़त्म हो जाएगी, तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस, तो उसको हम क्यों इतना रोल, उसको जो है हम क्यों इतना अहमियत दे रहे हैं जो चीज़ ख़त्म हो जाने वाली है। हमको तो उस चीज़ पे
अहमियत देनी चाहिए जो कि रहने वाली है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि रिटन वर्क जो होता है वो रहने वाली चीज़ है। जो आपको जो टीचर जो है स्टूडेंट्स को रिटन वर्क करवाएंगे वो हमेशा रहेगा, उसकी कॉपी में उसकी नोटबुक्स में जो है हमेशा रहेगा। इसीलिए कह रहे हैं वो लोग कि टॉकिंग जो है, टॉकिंग जैसी चीज़ जो है वो एक इम्पॉर्टेंट नहीं है, इट इज़ लेस इम्पॉर्टेंट, रादर रिटन वर्क इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और उसको वो क्या कह रहे हैं कि इट इज़ रियल स्कूल वर्क को जो है वो रिटन वर्क है और वो मोस्ट रिलायबल है। अक्सर जब बच्चा घर जा स्कूल्स करके जब बच्चा घर पहुंचता है तो अक्सर जो पेरेंट्स होते हैं जो वो बच्चे से क्वेश्चन करते हैं, बच्चे की डायरीज फ़ौरन निकाल के देखते हैं, कॉपी निकाल के नोटबुक्स निकाल के देखते हैं, देखते हैं कि आज होमवर्क क्या मिला है, आज जो है क्लास में क्या पढ़ाई हुई है, कॉपी निकाल के देखते हैं। तो इसी तो उनको पता चलता है कि भाई अच्छा आज ये क्लासरूम में, आज क्लास में ये पढ़ाया गया, आज इंग्लिश में ये पढ़ाया है टीचर ने, आज साइंस में ये पढ़ाया है टीचर ने, तो उनको पता चलता है, डायरी में पता चलता है कि होमवर्क ये दिया है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि रिटन वर्क जो है उसी वो जो है वो असली स्कूल वर्क है। रिटन वर्क इज़ द रियल स्कूल वर्क एंड दैट्स वाई इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन टॉकिंग। तो इन व्यूज़ जानने के बाद हम क्या कहेंगे कि अदर व्यूज़ जानने के बाद कि कुछ अभी तक हम पढ़ रहे थे टॉकिंग इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लासरूम डिस्कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसी से एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, टॉकिंग से ही एक अच्छा इफ़ेक्टिव जो है लर्निंग प्रोसेस होगा, टॉकिंग से ही हम बच्चे का डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन अगर अदर व्यू क्या कह रहा है, वो टॉकिंग की इम्पोर्टेंस को घटा दे रहा है, वो कह रहा है कि नहीं, जो रिटन वर्क होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसकी ज़्यादा अहमियत है, तो हमें रिटन वर्क ज़्यादा कराना चाहिए, टॉकिंग कम कराना चाहिए। अब ये दो हमारे पास व्यूज़ आ गए हैं। अब हम कैसे जज करें हु इज़ राइट, कौन सा व्यू जो है वो सही है, कौन सा व्यू गलत है? तो इसका आंसर हमको मिलेगा अगली स्लाइड में। गिविंग रिगार्ड्स टू ऑल द व्यूज, वी शुड नॉट फॉरगेट द फैक्ट दैट लर्निंग इज सिंपली नॉट एडिंग बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रीवियस नॉलेज, रादर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग इज लर्निंग इज अ मैटर ऑफ वर्किंग और अंडरस्टैंडिंग विच कैन बी अचीव थ्रू टॉक ओनली। जी, तो अभी हम कह रहे थे जो भी लोग का मानना था रिटन वर्क की इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसको हम सब अग्री कहेंगे कि रिटन वर्क इज़ रियली वेरी परमानेंट, वो परमानेंट है, वो हमेशा रहने वाली चीज़ है, वो उसकी इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टॉक जो है उस टॉकिंग की जो इम्पॉर्टेंस है यानी कि जो डिस्कोर्स की इम्पॉर्टेंस है उसने उसको घटा दिया है। क्योंकि लर्निंग का मतलब क्या होता है, लर्निंग इज़ नॉट एडिंग बिट्स ऑफ नॉलेज। जैसे एक ईंट को हम जोड़ कर दो, एक ईंट से दूसरी ईंट को जोड़ा, दूसरी ईंट से तीसरी ईंट को जोड़ा, चौथी ईंट से पांचवी ईंट को जोड़ा और एक दीवार बना दी हमने, ब्रिक्स को हमने जोड़ा और उसके बाद दीवार बना दी और कह दिया कि भाई ये दीवार है, ये वॉल है। लर्निंग जो है ना वो उन ब्रिक्स के तरह और इस वॉल की तरह नहीं है। लर्निंग इज़ समथिंग विच इज़ डिफरेंट, दिस इज़ समथिंग विच यूज़ टू नेगोशिएट, जिसमें जो लर्नर होता है, जो टीचर होता है, वो आपस में बातचीत करते हैं, कंसेप्ट का डेवलपमेंट करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, जिसको अगर हम आजकल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात हम जब करते हैं कि क्लासरूम में एक ऐसे माहौल होना चाहिए, इस तरह से लर्निंग प्रोसेस होना चाहिए जहाँ टीचर और स्टूडेंट आपस में मिल के चीज़ों का कंसेप्ट्स का डेवलपमेंट करें, कंस्ट्रक्शन करें। तो इस चीज़ को करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका, वो है टॉक, वो है डिस्कोर्स। डिस्कोर्स के ज़रिए से ही हम सबसे ज़्यादा बच्चे का डेवलपमेंट सही मायने में अगर हम करना है तो वो टॉक ही है जिससे हम बच्चे का सही मायने में डेवलपमेंट कर सकते हैं। रिटन वर्क की अपनी अहमियत है, उससे बच्चा पास तो कर लेगा एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम्स में 40 मार्क्स तो ले आएगा, पास तो कर लेगा, 50 भी ले आएगा, 80 भी ले आएगा, 90 भी ले आएगा, लेकिन सही मायने में जो बच्चे का डेवलपमेंट है, जो हम बात करते हैं ना ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का जो सही मायने में डेवलपमेंट है, जो कि हमारा अल्टीमेट एम होता है किसी भी एजुकेशन प्रोसेस का, वो हम अपने एम को अचीव कब कर सकते हैं, जब हम इस चीज़ को फॉलो करें, व्हेन वी फॉलो दिस थिंग के टॉक, जब हम इस चीज़ को हम का मतलब है कि हम टीचर्स
ठीक है। तो इसीलिए मैं अपने वुड बी टीचर से यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगी कि वो टॉकिंग जैसी चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस दें और टॉकिंग को, डिस्कोर्स को जितना ज़्यादा हो सके अपने क्लासरूम में इसमें क्लासरूम में जो है इसको जगह दें। सिर्फ आए लिखवा के चले जाएं ऐसा ना करें, बोल के चले जाएं ऐसा भी ना करें, बल्कि एक अच्छा माहौल क्रिएट करें जिसमें बच्चे जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, अपने आप की क्वेरीज़ को पूछ सकें और एक नेगोशिएशंस के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए सही मायनों में नॉलेज का, कंसेप्ट्स का, लर्निंग का कंस्ट्रक्शन करें। तो आई होप द क्लासरूम इज़ डिस्कोर्स इज़ क्लियर टू यू। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।